सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में जितनी भी बातें हुई थी ना, उसको मैं रिवाइज फिलहाल तो नहीं करवा रहा क्योंकि वो बहुत ही कम बातें थी वो, ठीक है। सुनो, आज हमारे पास मैं तुम्हें जो हमारे से मतलब कि बोलते हैं न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और जो गेनिंग रेशियो है, इसके जितने भी केसेस बनते हैं मैं तुम्हें वो सारे के सारे बता रहा हूँ। इसके बाद हम कोई सा भी केस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सुनो भाई, सबसे पहला मेरे पास है इलस्ट्रेशन, थर्ड है मेरे पास, मैं तुम्हें बताई दे रहा हूँ। देखो मतलब बुक में देखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। सुनो भाई, मेरे पास जो है तीन पार्टनर है, एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, 5:3:2, 5, 3 और 2 के पार्टनर हैं, ठीक है। कह रहे कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ठीक है। हमें तीन चीज़ निकालनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, ये निकालना है भाई। चार केस है मेरे पास। सबसे पहला जो केस है उसमें कह रहे कि अगर जेड टेक 1/5 फ्रॉम एक्स, पहला केस जेड टेक 1/5 फ्रॉम एक्स, ठीक है। जेड ने 1/5 लिया है, किससे लिया भाई, एक्स से लिया है। उसके बाद हम इस वाले केस को पहले करते हैं, कभी भी अगर ऐसा ना, हाँ भाई जेड जो है 1/5 ले रहा है एक्स से, ठीक। देखो यहाँ पे क्या लिखा, फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता माइनस, ठीक है। और अगर था ऑफ जेड, मतलब ऑफ एक्स लिखा होता। सुनो, अगर यहाँ पे मैंने बोला कि जेड टेक 1/5 फ्रॉम एक्स, ठीक, तो मैं क्या करूँगा बताए, यहाँ सुनो, पहले लिखूँगा एक्स से लिया ना उसने, तो एक्स का शेयर क्या 5/10 है, उसमें से माइनस कर दो 1/5। हाँ भाई 5/10 में से 1/5 क्या है, माइनस कर दो, क्योंकि भाई एक्स से जेड ने इतना लिया ना, ठीक है। तो अगर ले लेगा तो जो एक्स का है कितना बचेगा, तो देखो भाई वही मेरे पास है, मतलब थोड़ा सा रूल लगाएंगे ना, तो मेरे पास ऊपर 5, यहाँ पे 1 × 2 और नीचे 10 आएगा, पता लगा कैसे। देखो 10 है, 10 को 5 से, दोनों सेम टेबल में आते हैं ना, तो भाई 10 को 5 से डिवाइड किया 2 आया, तो इसके ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो कितना है मेरे पास, 5 − 2 = 2/10, यहाँ पे 3/10। बोलो भाई ये मेरे पास x का न्यू शेयर है, क्या बोला मैंने, x का न्यू शेयर मेरे पास कितना भाई, 3/10 है। अब 1/5 अगर उसने लिया है तो भाई इसमें ऐड भी तो होगा ना, 1/5 लिया है, तो पहले y का तो भाई नॉर्मल है, जो y है कितना है उसका, y का 3/10 है, तो उसका 3/10 है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। लेकिन z को तो मिला है, जो z है उसको तो मिला है ना, z का पहले था 2/10, उसको मिल गया 1/5, ठीक है, क्योंकि उसने 1/5 किससे लिया भाई, x से लिया है। तो अगर लेगा तो भाई ऐड तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरे पास वही सेम चीज़ है, तो पहले नीचे 10 लिख दिया, 2+ यहाँ पे भी 2 × 1, तो कितना आ रहा है, 2+2/10, यहाँ पे 4/10, ठीक है। तो भाई देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इसका, x का 3/10 है, देखो x y z, तो कितना है इसका, 3/10, और इसका भी 3/10, इसका 4/10, क्या लिखेंगे इसे, 3:3:4, ये क्या है मेरे पास, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, मेरे पास क्या भाई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:4 है। कोई शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेगा, बहुत बार बोल चुका हूँ, मुझे टाइम सेव करना होता तुम्हें नहीं, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा ना मैंने, तो इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेगा भाई। मैंने न्यू निकाल दिया, तुम सब सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकाल पाओगे या नहीं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर आराम से आ जाएगा। अब सुनो एक बात, थोड़ा यहाँ फोकस करो, अगर मैं यहाँ पे इसके बदले बोलता, इसमें कह रही जेड टेक 1/5 फ्रॉम एक्स, जेड ने 1/5 लिया किसे, एक्स से, लेकिन अगर लिखा होता नहीं जेड टेक 1/5 ऑफ एक्स, बात हमारी, तो सुनो पहले मैं एक्स का जो शेयर है ना 5/10, इसको पहले मैं मल्टीप्लाई करता 1/5 से, ठीक है, पहले इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करता, तो 5 × 5 फिर यहाँ पे आता 50, कट गया 1/10। तो अब इसको माइनस करता मैं इसके शेयर में से, 5/10 में से 1/10, तो बचता इसका 4/10, बस मैं आ रही है। और ये जो मेरे पास आता है ना 1/10,
जो माइनस किया है उसको मैं ऐड करता जेड के शेयर में, बातें तो लगी। ऑफ में क्या होगा, ठीक है नॉर्मल सी बात है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। सुनो मैं तो पहला केस करवा दिया, दूसरा केस की बात करते हैं, इतना सबका हो गया ना। सुनो दूसरा केस की बात कर रहा हूं भाई, यहां पे जो केस सेकंड है मेरे पास, केस सेकंड में क्या कह रहा है भाई कि एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। जो जेड है सुनो, जेड विल टेक 1/5 इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। जेड जो है ना 1/5 को दोनों में से बराबर बराबर लेगा, तो पहले 1/5 के दो भाग कर देंगे, पहले दो पार्ट करेंगे ना इसके। क्या बोला मैंने, जेड टेक 1/5 इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, ये 1/5 का इक्वली मतलब 1/5 है उसका आधा आधा करके दोनों से लेगा वो। तो देखो पहले x है मेरे पास, x में से x का शेयर कितना है भाई, 5/10, ठीक है। y जो है इसका अभी 5/10 और z का 2/10। तो भाई हमें पता है, ठीक है इसको 1/5 मिलना ही मिलना है, तो उसमें 1/5 हम ऐड कर देते हैं। z को तो मिलेगा ना 1/5, z को 1/5 मिलेगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सुनो तो भाई देखो z को 1/5 तो मिलेगा मिलेगा कैसे भी, तो इसको ऐड कर दूंगा इसमें, ये तो नॉर्मल है। लेकिन z ने ये बोला है कि भाई मैं जो 1/5 है तुम दोनों में से आधा आधा लूंगा मैं, समझा, मतलब इसका आधा करेगा इससे लेगा और आधा इससे लेगा इस तरीके से। तो आधा कैसे करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। सुनो क्या माइनस करेंगे भाई, माइनस करना है 1/5 का आधा, माइनस कर दिया इसमें से क्या करेंगे 1/5 इसका आधा। तो भाई देखो क्या आएगा, 5/10 माइनस, तो यहाँ पे 1 + 1 और 5 × 10, यहाँ पे भी मेरे पास 3/10 है माइनस 1/10, तो कितना आ गया भाई इसका 4/10 और इसका 2/10 और इसका कितना आ रहा है देखो वही नीचे मेरे पास जो 10 है तो 2 और +2, पता लग रहा है 2 कैसे आ रहा है मल्टीप्लाई के ऊपर मैंने, ठीक है। तो 4/10 तो न्यू शेयर क्या आ रहा है 4:2:4, इसको हम चेंज कर सकते हैं 2:1:2, पता कैसे, जब सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं ना तो डिवाइड कर दिया करो, बस मारिए, जब सारे नंबर तुम्हारे डिवाइड हो रहे होते हैं तो नंबर को डिवाइड कर दिया करो, इसमें दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। आता उसके जो अगला केस है, अच्छा ये मेरे पास क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तुम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकाल रहे हो, माहिर हो कर लोगे, वही जो तुम्हारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये वाला, उसमें से न्यू वाले को माइनस करना अपने आप आ जाएगा, और जो प्रैक्टिस नहीं करेगा पछताएगा बहुत। अच्छा वाला केस फोर्थ है हमारे पास, केस फोर्थ में कह रहा है कि एज पर न्यू एग्रीमेंट एक्स वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। भाई कुछ नहीं है, यहाँ सुनो पुराना क्या था एक्स वाई जेड का, एक्स वाई और जेड का पुराना था 5, 3, 2, इन्होंने बस सोचा है न्यू वाला क्या होगा इक्वली, इनका न्यू इक्वली होगा भाई, न्यू दे रखा है ना। केस फोर्थ है तुम्हारा, केस एक मिनट, केस थर्ड है केस थर्ड में कह रहा है कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से अब ये फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। अगर फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली बांटते हैं इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब तीनों का मतलब इक्वली है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना मेरे पास, अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो मेरे पास आने जाएगा सैक्रिफाइसिंग गेनिंग, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर लेना इसको, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर केस नंबर फोर्थ है भाई मेरे पास, जो केस फोर्थ है सुनो, केस फोर्थ में कह रहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई। समझ में आई बात, क्या बोला मैंने, क्वेश्चन में कह रहा है कि जेड टेक 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/6 शेयर
ऑफ वाई, ठीक है, जो वाई है उसका, बोलो भाई। हाँ तो क्या करूँगा, जो मेरे पास देखो एक्स का शेयर कितना है 5/10, वाई का शेयर कितना है भाई 3/10 और जेड। तो भाई देखो अब जेड में कितना कितना आएगा वो तो बाद की बात देखी जाएगी। सुनो भाई, पहले जो जो एक्स में से कितना माइनस होगा 1/5 ऑफ एक्स, तो 1/5 ऑफ एक्स इसमें से क्या माइनस करेंगे, जो एक्स है उसका 1/5 निकाल दो, ठीक है, इसका 1/5 निकाल दो, माइनस कर दो, यही तो होगा ना। जो मेरे पास एक्स है, जेड क्या करेगा, सुनो मैंने बोला जेड जो है एक्स का 1/5 शेयर लेगा, तो पहले हम एक्स का 1/5 निकालेंगे ना, निकाल दिया फिर माइनस कर देंगे यहाँ से, ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास 5/10 आ रहा है, माइनस करना है 5 × 5 = 50, ठीक है। तो वही देखो मेरे पास दोनों में से बड़ा ये वाला है, ठीक आगे कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस साइड, इस साइड सबका हो गया ना, देखो। तो भाई क्या करेंगे इसके आगे, जो मेरे पास है जब दोनों नंबर नीचे में से बड़ा नंबर ये वाला है तो 5 × 10 से, तो ऊपर 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, -5, तो 25 − 5/50, तो 20/50 ये वाला आ गया। इसमें से क्या माइनस करेंगे, इसका वाई का 1/6 ले रहा हूँ, ठीक, तो 3/10 का 1/6 लेगा वो, ठीक है, 1/6 लेगा, तो क्या करेंगे 3/10 माइनस 3 × 3 यहाँ पे 60 आ रहा है, ठीक है। तो भाई 60 में से दोनों में 60 बड़ा है तो ये 6 बार में जाएगा, ठीक, 3 × 6 − 3 = 18 − 3/60, तो कितना आ रहा भाई 15/60, ठीक है। और लास्ट का देखो कितना कितना ले रहा है, वो इतना ले रहा है, इतना ले रहा है, इतने तो ले रहा है ना, मुझसे एक्स में से इतना ले रहा है, वाई में से इतना ले रहा है, दोनों को ऐड कर दो उसमें, 5/50 + 3/60, बस भाई। अब तुम यहाँ पे अपना एलसीएम मैसेफ तुम्हें जैसा लगाना है लगा सकते हो, वरना दूसरा एग्जाम तरीका बताऊँ, काट दो से, 3 से कट रहा है, कटा 3 से एक बार में, 3 से कटा 20 बार में, 5 से कटा एक बार में, 5 से 10 बार में, समझ गए, 2/10 + 1/10 + 1/20, जिसके पहले नीचे का नंबर सेम है लिख दो से, 10 2+1 यहाँ पे +1/20 ऐसे तो है। तो भाई अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूँ तो 3/10 और आए, 3/10 + 1/20 ये लो हो गया, इसके ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा +1, तो नीचे 20 आ गया, तो 3 × 6 + 1/20 तो कितना आया 7/20। भाई नीचे के सुनो तुम्हें कुछ नहीं करना, जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है उसको सेम कर लेना, वैसे तुम्हें दिखा रहा हूँ, देखो क्या होता है, हम कुछ ऐसा काटते हैं कि मेरे पास हम किसी उसको 20 के रेशो में ले आए, 0 0 कटा 2/5 और 15 से 15 × 15 = 60, 1/4। हाँ भाई क्या लेना नीचे का 20, बात हमें नीचे का नंबर 20 लेके आना है, ये लो कर दिया, इसको किससे 4 से 8/20, इसको 5 से 5 × 5 = 20। भाई देखो मैं तुम्हें वाली बातें सिखा चुका था कि जो नीचे का नंबर है सेम कैसे करना है, मैंने कहा था कहीं ना कहीं पे दिक्कत आती है, तो ये दिक्कत यहाँ पे आती है, ठीक है। ये तुम्हारी ना बहुत ही बेसिक सी कैलकुलेशन है, मैंने कहा था जिसको बहुत दिक्कत है प्रैक्टिस करना उसकी, जो मैंने स्टार्टिंग क्लास ली थी, ठीक है। इसमें किसी को कुछ बोलना है भाई, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अब हम गुडविल की ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे, फिर इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें। सबका हो गया अला, सुनो भाई हमारे पास अब जो अगला टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल है, पहली बात हम समझते हैं, देखो मैं तुमसे क्या कहा था, तुम्हें मैंने ये वाली बातें बताई कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो जो भी चीज़ें पहले थी वो सारी की सारी अलग हो जाती है, बात मारिए।
जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉस है, वो क्या हमारे पास उसी के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। हमारे क्या बोला मैंने, जो भी प्रॉफिट या फिर जो लॉस होते हैं, जो मेरे पास रखा हुआ रिजर्व है, वो सारे सर का भाई उसी के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। बस मारी वाली सुनो, अब मैं तुम्हें एक बातें और बताऊं। अच्छा सुनो, मैंने क्या बोला भाई, सुनो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो हम ना जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, मेरे पास वो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल है, ठीक। तो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल के अंदर जो हमें बात समझनी होती है, वो बात मेरे पास ये है कि भाई जिस तरीके से हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, किसी ने सेक्रीफाइस किया, किसी ने गेन किया, अब फ्यूचर में उसको जो भी मिलेगा उसी के हिसाब से मिलेगा ना, फ्यूचर में जो कुछ भी मिलेगा उसको उसी के हिसाब से मिलेगा। बस में आ रही है, मैं बोल दूँ कि भाई रिजर्व है, ठीक। पहले मान लो कि भाई तीनों पार्टनर का जो रेशियो था वो था इक्वली, ठीक है। तो तीनों ने मान लो जो रिजर्व जमा किया था 60,000 रुपये का रिजर्व जमा किया, भाई कॉमन सेंस की बात है, 20,000, 20,000, 20,000, ठीक है, तीनों पे होंगे। लेकिन अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, ठीक, 5:3:2 हो गया, ठीक है। अगर मेरे पास अब 5:3:2 हो गया, तो भाई अगर मान लो किसी भी केस में रिजर्व को बांटा जाता है, अगर रिजर्व को बांटा जाएगा इस रेशियो में बांट जाएगा, भाई लोगों ने जमा कुछ और किया था, उन्हें मिलेगा कुछ और, दुख नहीं होगा यहाँ पे, दुख होगा ना। तो भाई जिन्होंने सेक्रीफाइस किया और जिन्होंने गेन किया, इनके बीच में ट्रीटमेंट होती है, ठीक। जिस तरीके से रिजर्व की बातें होती है ना, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पहले कितना हुआ होगा भाई तीनों पर, 20,000, 20,000, यहाँ पर कितना, पहले कितना मिलेगा, 30,000, इसे ऐसे 12। अब सुनो भाई, कायदे के हिसाब से इस बंदे से 10,000 रुपये छीन लेने चाहिए, इससे कितने छीनने चाहिए, 10,000, ठीक। और ये किसके अकाउंट में डाल देने चाहिए, इसमें डालने चाहिए 2,000 रुपये, ठीक है, और इसमें 8,000। देखो अपने आप बराबर नहीं हो गया, इस बंदे ने ज़्यादा पैसे, देखो इसने गेन किया, ठीक, इसने गेन किया तो इसमें 2 बांट दिया, स्मार्ट बांट दिया। तो अब जब इसको बांट देंगे ना, अब बोलेंगे हाँ भाई अब ठीक चल रहा है, तूने हमारे पैसे हमको दे दिए, अब हम खुश हैं, अब तू चलाता रहे इसी रेशो के हिसाब से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी सेम तरीके से गुडविल का भी सेम सीन होता है, ठीक है। गुडविल की जो वैल्यूएशन क्रिएट करिए ना भाई, उसी तरीके से करिए ना, जो गुडविल है उसकी जो वैल्यूएशन है इसी तरीके से होगी, समझ रहे, समझ रहे। तो जैसे मैं रिजर्व के बारे में तुम्हें बातें बता रहा हूँ, सेम तरीके से हमारे पास क्या भाई गुडविल भी होगी। अब सुनो, तो भाई मैं जैसे मान के चलो, हमें पहले दो बात पता है। देखो सबसे पहले गुडविल मेरे पास एक इनटेंजिबल एसेट, सबको पता है, जो मेरे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, जो मेरे पास क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इसके हिसाब से गुडविल क्या मेरे पास इनटेंजिबल असेट्स है, ठीक है। तो भाई अब ये जो मेरे पास इनटेंजिबल असेट्स है, हम इसकी ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। सुनो होता क्या है भाई, पहले समझ जाओ कि होता क्या है। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई सा भी पार्टनर है, ठीक, अगर कोई एक नया बंदा आया, ठीक, तो कोई ना कोई तो सेक्रीफाइस करेगा, कोई ना कोई तो गेन करेगा, समझ में आ रही बात, कोई ना कोई सेक्रीफाइस करेगा और कोई ना कोई गेन करेगा जरूर। तो जो मेरे पास वैल्यू ऑफ गुडविल होती है, ठीक है, सेक्रीफाइजर को उतना दे दिया जाएगा, ठीक, और जो गेनर है उससे उतना ले लिया जाएगा। बात समझ आ रही है। देखो पहली बात भाई, हमारे पास गुडविल होती है दो तरीके से, मेरे पास एक होती है वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल, और दूसरी मेरे पास क्या भाई परचेज्ड गुडविल, परचेज्ड गुडविल। भाई परचेज्ड गुडविल को और क्या बोलते हैं, जो मेरे पास नॉ, जो मेरे पास सुनो बैलेंस शीट के अंदर है ना, हाँ मेरे पास क्या है बैलेंस शीट, और कायदे की बात करें मेरे पास ये क्या है कैपिटल लॉस है, ठीक है। तो लॉस भी तो सेटल करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब भाई हमारे पास होता है केसेस आते हैं, ठीक। पहले मेरे पास केस है, जैसे मान के चलो
कि अच्छा पहले मैं इसकी सारी बातें बता रहा हूँ, ठीक है, होगा क्या, जिस बंदे ने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, उसको जिसने गेन किया ना वो उसको पैसे देगा, ठीक है। तुम सबको जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग आती है नहीं आती, किसको नहीं आती ये बता दो, जिसको जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग तुम्हें नहीं आती, चलो ठीक है तुम बता दूंगा फिर। सुनो भाई मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सुनो मेरी बात, जर्नल एंट्री से अगर हमें लेजर पोस्टिंग सीखनी है तो उसे देखो, वैसे ना अभी हल्का सा बता दूंगा कैसे करना है, बाकी बात की बात होती रहेगी। तो पहले मैंने बोला जिस बंदे ने सेक्रीफाइस किया है उसको देना पड़ेगा, और कौन देगा उसे, जिसने गेन किया। मैंने कहा था ना भाई 30,000 में से 10,000 लेके दोनों बांट दिए, ठीक सेम तरीके से होगा। मान के चलो भाई मेरे पास जो जितना कंपनसेशन दिया जाएगा वो कितना होगा, देखो मैंने बोला कि भाई यहाँ पे एक बंदे ने सेक्रीफाइस किया दूसरे ने गेन, तो जो मेरे पास एक तरीके से मान लो गेनिंग पार्टनर है उसके अकाउंट को कम कर देंगे, क्या करेंगे देखो, उसमें जो गेनिंग पार्टनर या तो कैपिटल अकाउंट होगा या फिर करंट अकाउंट, पता ना कैपिटल और करंट क्यों होगा, कैपिटल अकाउंट मेरे पास तब होगा जब हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करें, ठीक, और करंट कब होगा जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ये बातें तो बताया ना भाई, फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग। तो सुनो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट डेबिट टू सैक्रिफाइजिंग सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, बोलो भाई। अब सुनो होगा क्या, मान के चल लो कि भाई जो मेरे पास इसका एग्जाम्पल तो मैं समझा रहा हूँ, जो वैल्यू ऑफ गुडविल है जो हमें पता लगी है वो है 80,000, कितने की है भाई 80,000 की है। अब दो पार्टनर थे मान लो ए और बी, ठीक है ए और बी है, इनका पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1 का, या फिर मैं चलो बोला 3:2 का था, कितने का था 3:2, ये बाद में चेंज हो गया 1:1, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकालना पड़ेगा ना। सुनो तो भाई क्या करेंगे यहाँ पे, जो मेरे पास है पहले ए का निकालते हैं, ए का पहले था ओल्ड 3/5 और जो बी का था 2/5, इसमें से माइनस कर दो 1/2, इसमें से भी 1/2, ठीक है, तो 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6, ठीक 5 × 5 तो 1/10, ठीक, और इसका वही सेम 10 × 2 = 4, 5 × 5 ये माइनस का 1/10। तो भाई इस बंदे ने गेन किया है और इसने सैक्रिफाइस, समझ रहे हो ना, जिसका माइनस में आएगा वो गेन करता है और जो प्लस में आ रहा है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। तो जिसने गेन किया अब वो सैक्रिफाइसर को देगा ना भाई, कितने देगा, देखो 1/8 के हिसाब से किया ना, जितने भी तुम्हारे गेनिंग पार्टनर हैं, जरूरी सिर्फ दो हो, तीन भी तो हो सकते हैं, तीन पार्टनर केस हो, दो जने गेन कर रहे हैं एक सैक्रिफाइस कर रहा है, दोनों गेनर को डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसर को क्रेडिट। भाई इस कॉमन सेंस को चला के चलो कम से कम, पर दिक्कत आएगी। जैसे मान लो कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, चलो पहले मैं इसको कर दे रहा हूँ 80,000 है ना, तो भाई गेनर कितना देगा सैक्रिफाइसर को, मैं पता एंट्री कैसे पास होगी, ऐसे होगी 20 कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू ए, एज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, ठीक है। सुनो भाई कितना मेरे पास है 80,000 ना, तो जो कंपनसेशन जो दिया जाएगा 80,000 का, इस 80,000 का 1/10 निकाल दो, कितना आ रहा है 8,000, तो जो गेनर है ना वो 8,000 रुपये किसको देगा, सैक्रिफाइजर को। अब सुनो ये तो मैं तुम्हें एक का केस बता दिया, अगर मान लो दो जने गेन करते, क्या बोला मैंने, दो जने गेन करते तो जितना वो गेन करे उसने उतना किसने सैक्रिफाइस किया होगा ना, ठीक है, तो दोनों का गेनिंग इसमें से निकालते हैं, मान लो ए और बी है दोनों ने गेन किया, तो पहले ए का निकालते 80 से, फिर बी का निकालते 80 से, ठीक है, ये समझ कौन नहीं रहा, ठीक है, और फिर सी ने सैक्रिफाइस किया है तो सी का निकालते 80 से, जो गेनर है डेबिट, जो सैक्रिफाइस है उसे क्रेडिट, ठीक है, हो जाएगा। बात पड़ती है इसकी लेजर पोस्टिंग की, अब सुनो
मैं तुम्हें बहुत ही नॉर्मल सी बातें बता रहा हूँ, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, ठीक है, मतलब कि बी, देखो सुनो भाई, कैपिटल अकाउंट डेबिट होने के बाद कैपिटल कम हुई है, ठीक है, तो बी का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, डेबिट, ये मेरा डेबिट साइड है और ये मेरा, तो बी का कैपिटल अकाउंट किसके वजह से हुआ भाई, ए की वजह से, क्या कहते हैं यहाँ पे, टू एज कैपिटल अकाउंट भाई, जो भी ठीक है कैपिटल अकाउंट वो देख लेते हो, तो बी का अकाउंट क्या 8000 से ज़्यादा कम कर दे, इसका 8000 से कम, ठीक, यहाँ पहुँचेंगे ए का, ए का हो रहा है क्रेडिट, तो बाई 20 कैपिटल या करंट अकाउंट कितना 8000, तो भाई ये अगर पास 8000, देखो ए को मिल गया ना, जो भी चीज़ें दी जाती है सेट दी जाती हैं और जो चीज़ ली जाती है वो इस सेट से कर दी ट्रीटमेंट, जैसे यहाँ पे एक है दो हो जाता, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को, इन इन बात को थोड़ा सा नीचे लिख लेना, ठीक है, अब सुनो भाई, पहले बताओ तुम्हें यार ये बातें पता लगी नहीं लगी, इसमें किसी को कुछ बोलना है तो बोल दो, हाँ भाई, हाँ बोलो, हाँ अच्छा नोट डाउन कर लो भाई, सुनो मेरी बात एक मिनट और सुन जाओ, देखो थोड़ा फोकस करो, ये सब कर लोगे इसको, मैं एक बात और बता रहा हूँ, जो मैंने तुम्हें करवाया ना ये, जो मैंने तुम्हें करवाया है, ठीक, ये पता कौन सा कैसे है, हम इसको बोलते हैं व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, ठीक, हम क्या बोलते हैं इसको, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, भाई ये मेरे पास इसका पहला केस है, सुनो कहीं भी लिख लो ऐसे एरो डाल कहीं भी लिख दो, ठीक है, सुनो भाई, अब जो इसका दूसरा पड़ता है ना, मेरे पास सुनो यहाँ पे, देखो दोनों का इफेक्ट सेम आता है, मैं तुम्हें इफेक्ट दिखा दूंगा कि भाई दोनों का इफेक्ट सेम आ रहा है, ठीक है, सुनो यहाँ पे भाई, अगर मैं तुमसे ऐसा बोल दूँ, देखो सुन जाओ भाई, देखो लिख के बाद में मैं लिखने टाइम दे दूंगा, पहले क्या बोला कि व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, दूसरा मेरे पास आता है व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, क्या बोलते हैं उसे, रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, लिखना बंद कर देंगे उस गुडविल को, सुनो यहाँ पे होता ऐसा, लिखना बंद नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो वैल्यूड गुडविल है ना, जो वैल्यूड गुडविल है इसका क्या करेंगे, सुनो पहले पार्टनर के बीच में इसको एक तरीके से मान लो एज अ प्रॉफिट मार दिया जाएगा, जो वैल्यूड गुडविल है इसको पार्टनर के बीच में पहले एज अ प्रॉफिट बांट देंगे, ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं किया ना सर प्रॉफिट बांटना बांटना, अच्छा दोनों का डिफरेंस 8000 का तो बांट दिया मैंने, ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरी बात बोल दूँ कि व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, जो मेरे पास दूसरी बात है, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, भाई इस केस में क्या होता है, जो तुम्हारी वैल्यू ऑफ गुडविल है, सुन जाओ इस केस में जो तुम्हारी वैल्यू ऑफ गुडविल है, पहले उसको एज अ प्रॉफिट मार दो, ठीक है, इन ओल्ड रेशियो, बस मारिए, फिर एज अ लॉस मार दो इन न्यू रेशियो, बस मारिए, मैं जब करवाऊंगा बता दे, सुनो मैंने पहले क्या बोला, पहले मैंने देखो ऐसा बोला, सुनो हाँ भाई देखो मैं ऐसा नॉर्मल सी बातें बोल रहा हूँ कि पहले हम उसको पार्टनर के बीच में बांटेंगे, जो मेरे पास जो वैल्यूड गुडविल होगी ना, सुन जा भाई, जो मेरे पास वैल्यूड गुडविल है पहले हम उसको बांट देंगे एज अ प्रॉफिट, ठीक, फिर उसी गुडविल को पता लगा जब पहले बांटेंगे तो ओल्ड रेशियो में, ठीक, और फिर बांटेंगे तो न्यू रेशियो में, बस मारिए, मैंने बोला कि भाई देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मेरे पास वैल्यूड गुडविल है इस केस के अंदर, वैल्यूड गुडविल को ओल्ड रेशियो में एज अ प्रॉफिट बांट देंगे, ठीक, और फिर
न्यू रेशियो में एज ए लॉस बांटेंगे। ठीक, इसका नेट इफेक्ट मेरा इतना ही आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, सुनो, पहली एंट्री गुडविल की वैल्यू कितनी है भाई, 80,000। तो पहले गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने गुडविल है भाई, 80,000। 80,000 टू क्या भाई, ए है ना, एज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, कितना भाई ओल्ड रेशियो क्या इनका, 3:2। ओ यार ये दिक्कत हो जाएगा, चलो सुनो, 3:2 है, पता नहीं कितना आएगा, 5 के हिसाब से 5 से डिवाइड करना, 16 ये है ना भाई, 3:2 में बांटेंगे ना पहले ओल्ड में, ठीक है, तो 16 16 32 16 48, ठीक है, तो इसका 48,000 आ रहा है, और इसका 2:20 कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, कैपिटल या करंट अकाउंट कितना आ रहा है भाई, 32। बोलो पहले बातें क्लियर है, इतना कर दिया मैंने, देखो पहले मैंने दोनों को इतने से क्रिएट किया, अब एज अ लॉस बांटूंगा, ठीक, और कौन से रेशियो में भाई, न्यू रेशियो में, सेकंड एंट्री, अब एज कैपिटल अकाउंट या फिर कैपिटल एंड मतलब कुछ भी हो सकता है, करंट अकाउंट डेबिट कितने से भाई, न्यू रेशियो इक्वल ही है, 40-40 बांट दूँ भाई, कॉमन सेंस काम कर रहा नहीं कर रहा इसमें, 40-40 बांटना है, एज कैपिटल करंट अकाउंट फिर 20 कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, इसका भी 40,000 और कितना है पास, 2 गुडविल अकाउंट 80,000। हाँ भाई यहाँ सुनो, अब सब फोकस करो, पहले कितने से कम किया, 48 से और 32 से, इतने से कम किया ना, अब कितने से बढ़ा दिया, अब सुनो यहाँ पे मैं तुम्हें डिफरेंस दिखा रहा हूँ, ए का पहले कितना, उसको कितना दे दिया पहले, उसको दिया 48, ठीक है, कितना छीन लिया उसे, 40 भाई, ऐसे तो है, ए को 48 दिया, 40 छीन लिया, ठीक है, तो इसके पास एक्चुअल में कितने बचे, 8,000, मतलब इसके पास इसको 8,000 दे देना मैंने। दूसरा बी, कितने दिया इसको, 32, कितने छीने, 40, कितना बचा, माइनस का 8। हाँ भाई बताओ, बी से कितने छीने एक्स्ट्रा, 8,000 छीन लिए, 8,000 एक्स्ट्रा छीने, छीन लिया बी से एक्स्ट्रा 8,000, ठीक है, ए को एक्स्ट्रा मिल गया 8,000, मिल गया इसको 8,000, बस में आ गई, तो दोनों का नेट इफेक्ट सेम आता है, बस वो तुम्हें करने का तरीका अलग होता है, ठीक है भाई, ये लिखो कैसे, ये तुम्हारा 8,000 और ये माइनस का 8,000। सुनो भाई, देखो तुम्हारे एग्जाम में अगर इसके क्वेश्चन आते हैं, यहाँ थोड़ा फोकस करो एक बार, पहले तुम इसकी एंट्री करोगे, देखो ये दोनों मेरे पास क्या हो रहे हैं, ये मेरे पास हो रहे क्रेडिट, क्रेडिट हो रहे हैं किसकी वजह से, गुडविल, ठीक है, यहाँ पे दोनों क्या हो रहे हैं, डेबिट किसकी वजह से, गुडविल, कर लोगे इसकी लेजर पोस्टिंग, तुम बात मानो चाहे मत मानो, देखो दोनों का नेट इफेक्ट सेम आ रहा है, जिसको समझ में आ गया थोड़ा महारथी बन जाओगे, जिसको नहीं आया कोई नहीं, ठीक है, बच्चे रट्टे मार के पास होते हैं, दोबारा का वीडियो देख लेना, ठीक है, सुनो भाई तुम्हारे साथ के और बच्चे को पता क्या होता है, कि अगर मेरे क्वेश्चन में लिखा आ गया कि गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो कर देते हैं ऐसा, ठीक, दूसरा व्हेन गुडविल इज रिटन ऑफ, क्या बोला मैंने, व्हेन गुडविल इज रिटन ऑफ, तो एक केस करते हैं भाई, वो इसी में इतने मर रहे होते हैं, पूछे मत भाई, मैंने तुम्हें यहाँ केस करवा दिया वैल्यूड गुडविल वाला, अब मैं तुम्हें कराऊंगा परचेज गुडविल वाला, ठीक है, थोड़ा छापो से स्पीड में, सुनो भाई देखो मैं तुम्हें वैल्यूड गुडविल के बारे में बता दिया, ठीक, हम अगली बात करते हैं परचेज गुडविल, क्या सुन जाओ, ठीक है, क्या बोला मैंने, परचेज गुडविल भाई, सबसे पहली बात, परचेज गुडविल इज अ टाइप ऑफ कैपिटल लॉस, सब मानते हैं उसको, ठीक है, तो कैपिटल लॉस है, इसके दो केस आते हैं, सबसे पहला भाई जिसको हम जब गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे, मेरी बात सुनो यहाँ पे, सपोज करो
तुमसे मैंने क्या बोला, जब भी हमारा प्रॉफिट सेलिंग रेशियो चेंज होगा, ठीक, तो जितने भी प्रॉफिट है, जितने भी मेरे पास लॉसेस है, ठीक है, उन सबको हम क्या भाई एडजस्ट कर लेंगे। पहली बातें मैंने बोली है, सबसे पहली बात ध्यान रख के चलना कि अगर परचेज गुडविल मेरे पास है, मतलब कि बैलेंस शीट मेरे पास गुडविल है, क्या बोला मैंने, अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है, ठीक, इन दैट केस हमें करना क्या, दो कंडीशन आती है, ठीक। पहली जो मेरे पास कंडीशन है वो ये है कि क्वेश्चन में लिखा होगा कि जो मेरे पास परचेज गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ, ठीक है, या फिर गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ। जब भी ऐसा कुछ लिखा हो तुम्हारे पास आ गया एडजस्टमेंट के अंदर, तुम गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दोगे। बस तुम आगे मैंने बोला सुनो, पहला मेरे पास जो केस है भाई वाला मान होगा, ठीक है, यहां से मान लो ऑलरेडी डाला परचेज गुडविल वाली, ठीक है, तो पहला मेरे पास क्या है, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, ठीक है, जब मेरे पास जो एग्जिस्टिंग गुडविल है अगर इसको रिटर्न ऑफ करते हैं तो क्या होगा, इसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इट एज अ लॉस, ठीक है, लॉस की तरह पार्टनर में बांट दो। तो गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, वो क्या करना बोलता, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट कुछ भी हो सकता, ठीक है, करंट अकाउंट डेबिट, हाँ भाई समझने वाला क्या बोल रहा हूं, ऑन टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट कौन सा रेशियो भाई, ओल्ड रेशियो, ठीक है, कौन सा रेशियो मेरे पास है ना, ओल्ड रेशियो है, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को फिर। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता, क्या बोला मैंने, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो भी करना है, ठीक है, जो मेरे पास है इसमें लिख लेना, ठीक है, इसका नाम लिख लेना कि व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट परचेज्ड गुडविल, जब मेरे पास क्वेश्चन साइलेंट है परचेज गुडविल के बारे में तो भी हमें सेम ट्रीटमेंट करने हैं। हाँ भाई इसमें दिक्कत तो नहीं है। अगला भाई दूसरा मेरे पास है सेकंड केस, जब गुडविल को हमें भाई कैरी करना है इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, इसमें लिख लो व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज कैरी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज कैरी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। भाई देखो एक तो मेरे पास ये लिखा हो सकता है, दूसरा लिखाएगा कि व्हेन गुडविल इज नॉट रिटर्न ऑफ, मैंने क्या बोला, देखो मेरे पास पहले कैसे, जब गुडविल रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, दूसरा तो ये होगा ना व्हेन गुडविल इज नॉट रिटर्न ऑफ, ठीक, वही तो है, अगर रिटर्न ऑफ नहीं करें मतलब कैरी करें, कैरी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, समझ रहे क्या बोलना हूँ, अगर रिटर्न ऑफ बोले ये, ठीक है, कुछ भी ना बोले तो भी ये, ठीक, लेकिन अगर वो मेरे से स्पेशली बोलता है कि गुडविल इज टू बी कैरिड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, या फिर गुडविल इज नॉट टू बी रिटर्न ऑफ, तो हमें ये करना है, ठीक, पता क्या करेंगे, मैं तुम्हें इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। सबसे पहला मान के चलो मेरे पास एग्जाम्पल ठीक से लेंगे, चलो जो मेरे पास वैल्यूड गुडविल है, वैल्यूड गुडविल मेरे पास है 1,00,000, कितने की है 1,00,000, जो मेरे पास परचेज गुडविल, परचेज गुडविल मेरे पास है 20,000, ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, वैल्यूड गुडविल में से लेस कर दो परचेज गुडविल, कितना मेरे पास आ गया भाई 80,000 आ गया, ये जो 80,000 तुम्हारे पास आया है, ठीक, ये तुम्हारे पास नेट वैल्यूड गुडविल होते हैं, क्या होते से नेट वैल्यूड गुडविल, नेट वैल्यूड गुडविल 80,000 मेरे पास, इसको डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, क्या करेंगे इसको
डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको, डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। जो तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग और जो गेनिंग है ना, इसे बांट दो। मान के चलो कि भाई जो मान लो ए और बी है, या सुनो ए है और बी है, ए ने मान लो गेन किया है, ए ने क्या किया भाई गेन, तो ये करेगा इसने सैक्रिफाइस क्या होगा, इसने गेन किया एक बटे दस, ठीक एक बटे दस, तो इसने सैक्रिफाइस किया एक बटे दस का, इसने गेन किया है, इसने सैक्रिफाइस, ठीक है। तो अगर गेन और सैक्रिफाइस की बातें आ रही है तो जो गेनर है उसको डेबिट कर देंगे, और जिसने सैक्रिफाइस किया सर क्रेडिट, ठीक है। तो कितना निकलेगा भाई इसका, एक बटे दस, एक बटे दस आठ हजार, ठीक है। तो भाई कौन है गेनर, ए, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बाई 8000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 8000। बोलो भाई इन बातों को देखा था किसी को, होमवर्क इलस्ट्रेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है। जो तुम्हारे पास सिक्स तक इलस्ट्रेशन है उसे करना है, और अगर नॉर्मल सी बात बोलू, जो भी तुम्हारे पास नया टॉपिक है, चलो समझाओ जो नया टॉपिक शुरू हो रहा है उससे पहले के जितने इलस्ट्रेशन है, गुडविल के बाद जो अगला टॉपिक शुरू हो रहा है उससे पहले जितने इलस्ट्रेशन सारे सारे करने, उसके बाद जो इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं इसके निकालने को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तुम्हें करके लेके आना है क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। ये सारा का सारा हो जाना चाहिए, साथ में नहीं करोगे बहुत बुरा पस पाओगे। और अपने जो छोटे छोटे नोट्स लिखते हो, तो मैंने बोलता हूँ कि अगर तुम्हें अगली बात समझ में नहीं आई है तो इन बातों को लिख दो, ठीक। तो उन बातों को साथ में लिखते चलो, सुनना की बात सबको भाई, इन कंसेप्ट को 2 से 3 बार रिवाइज मारो। बच्चों को ये चीज पहाड़ लगती है, तुम्हें समझ में आ गई तो अच्छी बात है, फिर समझ में किसको नहीं आएगा, सब पार है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो बोल दिया।